हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना कि जब फैंस एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है फॉलो करते हैं, उनकी हर चीज़ पर जो है नज़र रखते हैं, स्पेशली स्टारों की बात कर रही हूँ मैं। जैसे कि आप स्टारों को बता सकते हैं किसी टेलीविज़न शो में देखकर या किसी की मूवी देखकर आप एक आइडिया लगा लेते हैं कि कौन किसे डेट कर रहा है या किसको क्या प्रोजेक्ट मिल सकता है, कौन किसे पसंद नहीं करता है, आपस में उनके रिश्ते कैसे हैं। ये सब आजकल एक आम बात हो गई है या फिर कैसे बहुत आसान चीज़ हो गई है कि आप बड़े बड़े सितारों को भी पता लगा सकते हैं कौन किसे डेट कर रहा है। ऐसे में मैं बात करूंगी छोटे पर्दे पे गुम है किसी के प्यार में। हमेशा ही चर्चाएं सुनते हुए आते थे कि भाई जो है सेट पर झगड़ा हो रहा है, या जो है आयशा और जो है ऐश्वर्या दोनों के बीच में आपस में झगड़े रहते हैं, दोनों ही एक दूसरे को जो है फूटी आंख नहीं समाते हैं। जब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी तो तब जो है स्टारों को पता चला कि ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और हमारे शो पे बुरा असर भी पड़ सकता है। तो उसी के बीच में उन्होंने इंटरव्यू दिया जहाँ पे जो बताया कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है और हम तो प्रॉपर शूट करते हैं, फुल मस्ती करते हैं, हम तो फुल इंजॉय करते हैं। ऐसे में जो है वो बात उस वक्त दब गई, लेकिन अब जैसे जैसे गुम है किसी के प्यार में से कास्ट बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है, जैसे जैसे लीप पास आ रहा है, वैसे वैसे जो है वहाँ के जो मतलब जिन्होंने काम किया है गुम है किसी के प्यार में, वो कुछ ना कुछ न्यूज़ दे रहे हैं कि किससे क्या रिश्ता था, क्या वजह थी, रोज़ क्या क्या ड्रामा होता था। ऐसा क्यों होता है कि जब फैंस कहते हैं तो वो उस बात को झूठा कह देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है हमारे शो की टीआरपी पे असर पड़ेगा या हमारे जो फैंस फॉलोअर बढ़ रहे हैं उस पे असर पड़ेगा। लेकिन जब वो शो से बाहर आते हैं तो वो कई राज खोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए बताते हैं। आयशा सिंह जो कि साई का रोल कर रही हैं, और ऐश्वर्या शर्मा जो आपको जो है पाकी का रोल करते हुए नज़र आ चुकी हैं, अब जो है शो को उन्होंने छोड़ दिया है। ऐसे में दोनों की ही चर्चाएं सोशल मीडिया में ज़्यादा रहती थी कि दोनों एक दूसरे को एक नज़र नहीं भाती हैं, तो अब जो है साफ नज़र आ चुका है या कहें प्रूफ मिल चुका है, जहाँ पे न्यूज़ आई है अभी ही टॉप 5 में जो न्यूज़ छाई हुई है कि ऐश्वर्या और जो है आयशा ने सोशल मीडिया में एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। पहले नहीं करा था लेकिन अब अनफॉलो कर दिया है। लेकिन नील भट्ट ने अभी भी जो है आयशा सिंह को फॉलो किया हुआ है। ऐसे में ये तो सभी को पता था कि आयशा और पाखी के हमेशा ही जो है रिश्ते जो हैं सेट पे काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। काफ़ी न्यूज़ आती थी कि वो सेट पे शूटिंग करने नहीं आई हैं ऐश्वर्या, काफ़ी बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई तो उनके इंटरव्यू ने इस न्यूज़ को दबा दिया। लेकिन आज जो है जब उन्हें अनफॉलो देखा गया तो इस बात से साफ हो गया कि जो फैंस आइडिया लगा रहे थे या फैंस को जो लगा था वो बिल्कुल सही था। तो आपको क्या लगता है, ऐश्वर्या और आपकी आयशा उफ पाखी और साई के रिश्ते रियल में कैसे थे? शो में तो वो एक दूसरे को भाते ही नहीं थे, एक दूसरे के ऊपर चीची करते रहते थे, लेकिन रियल लाइफ में उनके रिश्ते कैसे थे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।